है रात निराली रातों में जिस रात मसीहा आए हैं। तो मसीहा ने, मेरा एक शेर है कि फौज रखी ना तोप चलाई, देखो कैसा बादशाह आया। कोई अपना लिखा वो सुनाइएगा। जिदों ओदा ख्याल आ जांदा दिल च डाडा पुचाल अस्सलाम वालेकुम। जस्ट वन टीवी प्रोग्राम फन और वकील विद एडवोकेट नरगिस नाही। नाज़रीन, आज हमने एक छोटी सी सेलिब्रेशन रखी है क्रिसमस के हवाले से, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है, और पहले भी पिछले साल भी प्रोग्राम किया था, क्योंकि ये क्रिसमस की जो विशेज़ हैं, हम अपने जो हमारे मसीह ब्रादरान हैं, हमारे बहन भाई हैं, उनको हम करना चाहते थे। आज इस प्रोग्राम में हमने अपने दोस्त, अपने साथी, अपने भाई जो वकील साहब को बुलाया है, वो भी मसीह ब्रादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, माशाल्लाह लर्नर काउंसल होने के साथ साथ वो बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे म्यूज़िशियन और बड़े अच्छे सिंगर भी हैं। तो मेरी बुराज नाप तारिक जावेद तारिक साहब से है, एडवोकेट हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच भाई, आपने एक मुश्किल और बहुत ही एक मसरूफ़ सा आपका स्केजुअल था, उसमें थोड़ा सा टाइम निकाला जस्ट वन के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि आप हमारे साथ हों, ताकि आपके हवाले से हम अपने तमाम जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको हम विश भी करें, और उन्हें इस उनके बड़े दिन की उन्हें मुबारकबाद पेश करें, और आपको भी बल्कि हम मुबारक देते हैं, आपकी पूरी फैमिली को, हम मेरी तरफ से, पूरी जस्ट वन टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक है। तो कहाँ मसरूफ रहते हैं, ये बैंड जो आपने बनाया हुआ है, मेरे ख्याल इसमें बिजी रहते हैं कोई? मैडम जी, असल मसला ये है कि मैं तो वकील हूँ और बकायदा प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, मैं रोजाना कचहरी जाता हूँ, उसके साथ साथ जो है वो मेरा थोड़ा सियासत से भी तअल्लुक है और सोशल वर्कर भी हूँ। नाज़रीन, मैं बताती जाऊँ कि ये तारिक भाई नाज़िम भी रहे हैं, और इनके मिसिज एमपीए रही हैं, और अब भी इनके भाई चेयरमैन हैं वहाँ के, यूहन्ना से इनका, यूहन्नाबाद है, वहाँ से ताल्लुक है, और वहाँ पे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहाँ पे आबाद है, और वहाँ पे ये माशाल्लाह मुंतखब भी रहे हैं, और अब भी इनके घर में जो एक पॉलिटिक्स है वो चल ही रही है, और बल्कि इन भी हैं पॉलिटिक्स में। जी भाजी, ऐसा ही है। बात यह है कि सोशल वर्क जो है ना, बेसिकली वो है इंसानों की हमदर्दी, इंसानों से प्यार, और सियासत भी यही है। एग्जैक्टली, तो ये इबादत है लोगों की खिदमत करना, वरना तो हर बंदा अपने काम में लगा अपने काम में लगा रहता है। तो मैं तो बड़ी खुशी से ये काम करता हूँ, और साथ साथ ये गाने वाला जो काम है तो बचपन से ही है मेरा शौक। वैसे सर, ये तो या कहते हैं बंदे को शौक होता है या फिर नहीं होता, ये कोई जबरदस्ती अंदर चीज नहीं डाली जाती, बचपन से चर्चेस में जाते हैं, वहाँ गाते हैं, हमारे तो एक मजहब का भी हिस्सा है। अच्छा, जब इबादत करते हैं उसमें तीन हिस्से होते हैं, एक दुआ होती है, उसमें गीत प्रस्तुत होती है, साथ साथ कलाम होता है। अच्छा, ठीक है, तो ये तो उसका लाजमी हिस्सा है। हम तो हर रोज डेली जो है हमारी प्रेयर है उसमें ये शामिल होता है। अच्छा, नाइस। तो मैं तो इसमें बचपन से ही गा रहा हूँ। तो हमारी जो हमारा ग्रुप है, कासिम सलीम साहब हमारे जो बेसिकली जो है ना वो म्यूजिशियन है, उसमें वो कंपोजर है, वो गीत कंपोज करते हैं। अच्छा। मैं एज अ पोएट और एज अ सिंगर। हाँ, माशाल्लाह पोएट्री भी आप करते हैं, बल्कि इनकी किताब भी है पोएट्री की। जी, जो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं। हाँ। मेरा पीएचडी का, मैंने पिछले दिनों पीएचडी भी मेरा इंशाल्लाह वो थीसिस मेरा हो गया। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी डिग्री मिलने वाली बकायदा, वेरी नाइस, अच्छी सी से बकायदा मैंने मिनहाज यूनिवर्सिटी से मैंने अच्छा, पूरा अच्छा। वो मतलब पूरी कोशिश की है, पूरा पढ़ के, और मैंने थीसिस किया, वो मेरा है गजल गायकी के ऊपर। अच्छा, जो एक है ना एक चैप्टर है उसमें यही है, मौसीकी, इस्लाम में मौसीकी, मसीहत में, हिंदुइज्म में, और पूरी दुनिया में। तो मौसीकी जो है ना ये इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर, कोई शख्स कहे ना कि मैं म्यूजिक को पसंद नहीं करता तो पता नहीं वो कैसा होगा, मुझे ऐसा कोई बंदा मिला नहीं, क्योंकि मुझे नफरत है मौसीकी से, ऐसा नहीं है। अगर कोई नफरत करता है तो फिर वो उससे केयरफुल रहना चाहिए। और आपने तो इतनी बड़ी बात कर दी कि अगर कोई म्यूजिक को पसंद ही नहीं करता इसका मतलब वो काबिले एतमाद ही नहीं है। कौन बंदा होगा जो म्यूजिक को पसंद नहीं, किसी भी हवाले से, किसी भी हवाले से, किसी भी तर्ज का। जी जी, किसी तरह का भी म्यूजिक हो, चाहे वो फोक हो, चाहे वो
कोई क्लासिकल हो या जैसा भी हो म्यूजिक, किसी न किसी वाले से लोग पसंद करते हैं। आप देखिए सुबह चिड़ियों को चहचहाते हुए आप देखिए, सुबह का मंजर अगर आप जाके देखें तो लगता है कि कितना खूबसूरत म्यूजिक तो इधर बज रहा है कि वो कितनी खूबसूरत तरीके से और कितने रिदम के साथ वो चहचहा रही होती हैं और सारे परिंदे बोल रहे होते हैं, उनकी बोलियां सुने और क्या बात। एक बात मैं आपसे और करता हूं जी, मैंने क्योंकि इस पे रिसर्च की है इस पे, ओके, दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा है वो मुसीकी सीखता नहीं है। आप किसी भी दुनिया में अगर साथ है ना आपके बर आजम, किसी बर आजम में चले जाएं और किसी छोटे से छोटे खत्ते में चले जाएं, किसी आप किसी गांव में चले जाएं या किसी जंगल में चले जाएं, आपको वहां पे गाने वाले मिलेंगे। और हर कौम जो है वो नेचुरली खुद ब खुद गाना गाती है, किसी से सीखती नहीं है। देखे ना कंप्यूटर आपने सीखा दूसरों से और बहुत कुछ आप दूसरों से सीखते हैं, सीखते हैं, लेकिन म्यूजिक आपको कोई नहीं सिखाता। दुनिया की हर कौम जो है वो गाती है, अच्छा, हर कौम का अपना फोक है, ये समझ लें इट मीन कि ये नेचुरल है, नेचुरल है या ये कुदरत की वदियत है, खुदा ने इंसान को। आप देखे जंगलों में लोग फिर रहे होते हैं और वो अपने उनका जो भी उनकी जुबान है या जो जिस तरह वो बोलते हैं और वो गाने गा रहे होते। अब जैसे रेशमा को कहा जाता था कि सहरा की आवाज है, कि आप देखिए वो सहरा में गूंजने वाली आवाज, बुलबुले सहरा उसको कहा जाता था, और वो एक सहरा में गूंजने वाली एक आवाज थी और मतलब इट वाज क्वाइट नेचुरल, उसमें कोई बनावट नहीं थी, कुछ नहीं थी, और वो कितना ज्यादा उन्होंने राज किया है फोक की दुनिया। अच्छा चले जनाब, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। ये सारी इसका मतलब है कि आप वैसे म्यूजिक पे अनकरीब आप क्लासें भी लिया करेंगे, लेक्चर दिया करेंगे, क्या ख्याल? एक बात मैं और शेयर करूं उसमें। जी जी। आप घर से बाहर निकलें, आप कहीं भी जाएं, आपके कानों में म्यूजिक जरूर पड़ जाएगा। हाँ। आप मतलब रेडियो होगा, टेलीविजन होगा, बच नहीं सकते, बस में बैठे होंगे, जहाज में, आपके कानों में जो है ना वो म्यूजिक आना ही आना है। ये इतनी मतलब एक यूनिवर्सल चीज है कि आपके दिमाग में जैसे हवा आपको मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, उसके गुजारा बंदा नहीं, म्यूजिक भी आपके कान में पड़ना, आप चाहे किसी से नाराज भी हो कुछ भी हो आपके कानों में म्यूजिक में रस खोलना, चाहे वो परिंदों की चहचहाट है, चाहे वो इंसानों की आवाज है, चाहे वो समझने के बसों का शोर है, उसमें भी आपको म्यूजिक नजर आ जाना। आज क्रिसमस के हवाले से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बल्कि आपका मैं तारुफ करवाती जाऊं, ये सारे बच्चे हमने इसीलिए बुलवाए हुए हैं आज सारे। हमने कहा कि चलो ज़रा आज थोड़ा सा एक इवेंट करते हैं क्रिसमस के हवाले से, क्योंकि ये एक बड़ा दिन है, खुशी का दिन है, और आपको भी पता है कि यहाँ पे मैं समझती हूँ कि हमारे तो फ्लैग हमारे पाकिस्तान के झंडे में है कि माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट मोहब्बत हर वक्त हमारे साथ साथ रहती है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम ये आज का प्रोग्राम एक थोड़ी सी एक सेलिब्रेशन के साथ हम करें, लेकिन क्योंकि ये बड़ी फॉगी मॉर्निंग थी, अब भी मुझे लगता है बाहर बड़ी फॉग है। जी जी है ना, अब भी बड़ी फॉग है, इसलिए थोड़ा सा लेट आप भी आए और कुछ बच्चे भी, कुछ थोड़ा सा जाहिर है कि सर्दी वर्दी है, लेकिन फिर भी ये बच्चे माशाल्लाह यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। इनसे इनमें तीन बच्चे जो हैं वो तो हमारे कैमरा मैन हैं इफ्तखार साहब, अच्छा, उनके बच्चे हैं, उनके मिसेज हैं, उनके मिसेज हैं सबा हैं, और ये उनकी बेटी हैं अबीहा हैं, उनके उनका बेटा है अरसलान, और ये उनकी बेटी है मैविश, और ये उनकी उनके भाई के बच्चे हैं, और ये सिमरन है, बेटी का नाम सिमरन है, ये वो फेरी सी बड़ी प्यारी सी बच्ची जो साथ बैठी हुई, और ये एंड पे बच्चा बैठा हुआ इसका नाम है समर, बड़े खूबसूरत नाम है बच्चों के, हाँ सिमरन और समर, वेरी नाइस। अभी बच्चे भी आपको कुछ ना कुछ सुनाएंगे जी, जरूर सुनाएं। तो मेरा ख्याल था, मैंने कहा ये बेटा आपके लिए गिफ्ट्स भी रखे हुए हैं, जो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आप अच्छा सुनाओगे तो अंकल अपने हाथ से आपको गिफ्ट देंगे। अच्छा, और मैडम शमीम भट्ट एडवोकेट हाईकोर्ट हमारी सीनियर लॉयर हैं, और बड़ी मोहब्बत है हमें इनसे, और ये ना सिर्फ हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, हमेशा बाजी मैं तो कहती हूँ इनको कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है वो बड़ी खुशी से बड़ी मोहब्बत से आके दोस्तों के साथ वो शेयर करती हैं, और बाजी की वजह शोहरत है, मैं बड़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि बाजी क्रिकेट टीम की सबसे पहली कैप्टन थी लेडीज़ में, बहुत गेम किए, गेम का इन्हें बड़ा शौक था, हाँ गेम का बाजी को बड़ा शौक था, तो अब भी खैर ये गेम बड़े शौक से देखती हैं, अब खेलती तो नहीं है, खेलती होती तो अब भी स्मार्ट होती लेकिन अब सिर्फ देखती हैं। तो आज स्पेशल इस प्रोग्राम में मैडम ने शिरकत की है अपने मसीह ब्रादरान को विश करने के लिए, बच्चों को गिफ्ट मैडम भी अपने हाथ से देंगी, तो इसलिए मैडम आप क्या कहेंगी हमारे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? हम हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे गेस्ट जनाब मोहतरम तारिक जावेद तारिक साहब हैं, तो हम सब तो इनके प्रोटोकॉल के लिए बैठे हैं ना। आपके गेस्ट भी हैं, हमारे कलीग भी हैं। हाँ, हमारे कलीग भी हैं। एग्जैक्टली सही कहा। मैं सबको पहले हेलो बोलूंगी। हेलो बच्चों। मसला ये है कि इफ्तिखार हमारा भाई है।
और वो कैमरा मैन है तो उसकी फैमिली आई हुई है और ये प्रोग्राम उन्होंने बनाना था तो मैंने भी कहा चले मुझे बुलाया गया कि आप आ विश करो तो मैंने कहा चले मैं भी शिरकत करती हूँ और उनको हैप्पी क्रिसमस करती हूँ। इस वजह से मैं कहीं जाना था लेकिन वो प्रोग्राम मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं मेरा पहले ये क्योंकि ये साल के बाद एक दिन आता है जाहिर है ये तो एक एनुअल डे है ना एक साल के बाद एक दिन इतनी कमांड है अभी सुनेंगे भी आप इनका म्यूजिक बड़ा अच्छा तो मुझे भी शौक है मैं थोड़े बहुत गा लेती हूँ बस। हाँ आपसे भी बिल्कुल अभी अभी आपसे भी सुनेंगे तो सबा ये मिसिज इफ्तखार हैं हमारे जो कैमरा मैन है इफ्तखार साहब उनके मिसिज हैं तो सबा आपने क्या तैयारियाँ की क्रिसमस की बच्चों के लिए? क्रिसमस के लिए यही तैयारी की है कि सबसे पहले तो ये है कि बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। हाँ क्यों नहीं कि हमारे जो खुदावंद यीशु मसीह हैं वो जमीन पे आए हमारी निजात का वसीला बने तो उनकी पैदाइश के लिए फिर हम सबसे पहले तो उठ के दुआ करते हैं घर में फिर अच्छा। उसके बाद हम लोग चर्च जाते हैं। यानी हाँ अच्छा जो डे होता है उसमें आप ये करते हैं जो क्रिसमस डे पे आप ये सब करते हैं जी तो फिर अच्छा। उसके बाद घर आके खाना वगैरह खा के फिर तैयार होके दोबारा फिर हम लोग सैर के लिए निकलते हैं तो एंजॉय वगैरह करते हैं फिर नेक्स्ट डे हम लोग अपने सब रिलेटिव्स के पास जाते हैं। बस यही हमारी एक्टिविटी होती है। हाँ वाकई बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। अच्छा तो बेटा आपसे आप सबसे ऐसा ऐसा हम सुनेंगे पहले हम अंकल से कुछ सुने जो हमारे आज के यहाँ के चीफ गेस्ट ने जी सर क्या सुनाएंगे सबसे पहले आप चलिए भाजी अभी मैं आपको क्रिसमस के वाले से हाँ हाँ जी 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 सर जी मोस्ट वेलकम। उसमें यह कि 24 की रात जिस रात मसीहा हाँ। जो उन्होंने दुनिया में जन्म लिया तो फरिश्ते आ रहे हैं पैगाम दे रहे हैं मजूसी आ रहे हैं मशरक से मगरब की तरफ जा रहे हैं गंडरी वहां पे जा रहे हैं तो वहां पे बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं मसीह को सलाम करने के लिए सजदा करने के लिए उनकी आमद को खुश आमदीद कहने के लिए तो उसी तनाजुर में उसी रात के ऊपर मैंने चांद अशआर लिखे मैं आपको बात सुना जी जी प्लीज उस रात के बाद जैसे चांद रात होती है ना ऐसे हमारी हां जी आपकी भी ये चांद रात है क्यों नहीं व्हाई नॉट है रात निराली रातों में है रात निराली रातों में जिस रात मसीहा आए हैं है रात निराली रातों में जिस रात मसीहा आए हैं सजदों पे हुए सजदे लाखों सजदों पे हुए सजदे लाखों तोहफे भी बादशाह लाए हैं है रात निराली रातों में इस भीगी रात के माथे पर एक नूर की चादर फैली है इस भीगी रात के माथे पर एक नूर की चादर फैली है फूटे हैं शगुफे पेड़ों पर फूटे हैं शगुफे पेड़ों पर फल फूल बहुत मुस्काए हैं है रात निराली रातों में एक तारा राह दिखाता है और काफला बढ़ता जाता है एक तारा राह दिखाता है और काफला बढ़ता जाता है मंजिल भी उठाए फिरती है मंजिल भी उठाए फिरती है ये कौन मुसाफिर आए हैं है रात निराली रातों में। वाह 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 वेरी नाइस बहुत अच्छा वेरी गुड। अच्छा तारिक भाई ये बताइएगा ये जो सांता क्लॉज है ये इसका क्या ये मैं थोड़ा सा दिखाऊं ये सामने करके ये देखो इसका क्या फिनोमना है ये देखिए ये तारा ये वही तारा तो नहीं जिसका जिक्र कर रहे आप है ना उसके साथ तारा है और ये देखिए ये आप भी देखिए ये बड़े क्यूट से लगे हुए होते हैं तो ये क्या ये किस चीज़ का सिंबल है एक्चुअली ये बड़ी इसके इसको लेके एक बड़ी स्टोरीज हैं बच्चों के दरमियान बच्चे बड़ा एक्साइट
ट्रीटमेंट फील करती हैं, तो ये बताइएगा जरा इसके बारे में ये क्या है। ये जो है ना, अच्छा। ये एक्चुअल मगरब की रवायात है, ये क्रिसमस ट्री और ये सांता क्लॉज, ये एक्चुअल इसका बज़ाहर तो कोई तल्लुक नहीं है बाइबल में तो, या मतलब अंजील मुकद्दस में तो इनका जिक्र नहीं है, ये बस एक बाद में रवायात कह लें। तारा तो बकायदा सोलर सिस्टम में भी है, मतलब कोई अचानक आप समझते हैं गैर फितरी तारा नहीं था वो, अचानक नमूदार हो गया, इसको तो अकल भी नहीं मानती। ये सोलर सिस्टम एक मतलब उस वक्त क्योंकि हमारे पास अब वो तारीख नहीं है, लेकिन ये वो तारा सोलर सिस्टम में से गया था जिसने रास्ता दिखाया था। अच्छा। तो सांता क्लॉज जो है ना, ये तो गिफ्ट के हवाले से बच्चों को गिफ्ट दिए जाते हैं, क्रिसमस ट्री के भी यही रवायात है। तो असल मसला ये है कि मसीह जो है ना, जीसस क्राइस्ट, उनकी जो पैदाइश है ना, उससे पहले दुनिया में देखें आप, जो भी सकाफत देखेंगे आप, जो भी तहजीब देखेंगे, मिस्री तहजीब है, बाबरी तहजीब है, चाइनीज है, दुनिया पूरी, उससे पहले दुनिया में कत्लो गारत थी। इवन कि आप पुराना अहदनामा भी देख लें, उसमें भी बड़ी कत्लो गारत, जंगें बेशुमार, बंदे कत्लो कत्ल किए जाते थे हुकूमतों के लिए। लेकिन जब मसीह आए ना, तो मसीह ने, मेरा एक शेर है कि फौज रखी ना तोप चलाई, देखो कैसा बादशाह आया। फौज रखी ना तोप चलाई, देखो कैसा बादशाह आया। बाबा चरनी वाला साइयां, नूरी खाकी देन बधाइयां, मतलब कैसा उसका आना था दुनिया में। हाँ। कि उसको फरिश्ते भी सलाम कर रहे हैं, इंसान भी उसके इंतजार में है। तो मसीह के आने से दुनिया में अमन है, कहते ना मसीह को प्रिंस ऑफ पीस। तो इसी वाले से कहते हैं कि मसीह ने खुद ना तलवार चलाई, बल्कि मसीह को जब पकड़ने आए ना, तो उनके एक शागिर्द ने एक फौजी की तलवार, उसको कान काट दिया। अच्छा। तो मसीह ने वो कान पकड़ के उसको लगा दिया। अच्छा। तो जो तलवार से काटेगा वो तलवार से कटेगा। हाँ। अपनी तलवार को अपने नियाम में रखो। तो मसीह के आने से हमें दुनिया में अमन मिलता है। अच्छा, तो सर आप देखें, वैसे अल्लाह की तरफ से जो भी मजाहब आप देखें ना, जितनी किताबें खुदा की तरफ से आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं, बीइंग मुस्लिम हमारा तो सब पे ईमान है ना, क्योंकि किसी खुदा ना खास्ता किसी एक पे भी ईमान नहीं रखें कि हम तो मुसलमान अपने आप को नहीं कह सकते। इसलिए यह है कि वो बिल्कुल अमन तो बिल्ला व मलाइकाते व कुतुब व रसूल, तो वो यानी तमाम हम ईमान लाए अल्लाह पे, उसके तमाम रसूलों पे, उसकी तमाम किताबों पे, ये तो हमारे मजहब का हिस्सा है। और सर देखिए कि हर किताब में, हर मजहब में अल्लाह ताला ने अमन और पीस का ही पैगाम दिया। देखिए उनका रियासती अमूर, क्योंकि वो बादशाह भी थे, उनका एक रियासती अमूर भी बादशाह थे, मतलब वो सरबराह थे अपने, मतलब लोगों के बकायदा एक जो मतलब मजहब को उन्होंने परवान चढ़ाया, तो उसमें भी मतलब जो गजबा में भी शामिल हुए हैं, तो उन्होंने खुद किसी को कत्ल नहीं किया, मतलब खुद भर के औरत जो उनके घर आती थी उनको कूड़ा फेंकती थी। आपने उसके भी तीमारदारी की और पूछा कि उसको क्या मसला है, क्यों नहीं आज उसने ये सब किया। जितने मजहब है वो तो मोहब्बत और प्यार का मन और दर्श देते हैं। बिल्कुल सही। अब आगे है कि हम क्या करते हैं, हमें क्या मतलब जो मसीह को मानते हैं। इवन के इस्लाम वाले भी मसीह को मानते हैं। सर मैं तो मैंने तो आपसे पहले कहा कि हमारे तो ये ईमान का हिस्सा है कि हमने तो अल्लाह पे, उसकी किताबों पे, उसके तमाम रसूलों पे ईमान रखना ही रखना है, उसके अलावा तो कोई नबियों ने किताबों में अमन का दर्स दिया, अमन का दर्स दिया, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं और अल्लाह ने अमन और प्यार का ही दर्स दिया है और उन्होंने आगे उसको स्प्रेड किया। अच्छा, तो अब और क्या है? एक आप और सुनाएं, फिर हम बच्चों से भी कुछ सुनेंगे, आपको सुनवाएंगे इनके बड़ा मजे का, इन्होंने एक टेबलो भी तैयार किया हुआ है, तो वो बल्कि अभी आपको सुनाएंगे। तो अब कोई जरा सुनाएं, जरा थोड़ा सा कोई क्रिसमस का आपने सुना दिया, कोई जनरल भी थोड़ा सा सुना। एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया, मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई, मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई, शबनमी सी जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई, उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया। वेरी नाइस, जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बाकी बहुत अच्छा। रफ़ी तो फिर डूब के गाते थे ना, उनका गाना तो क्या बात। तो अच्छा सर, थोड़ा सा बच्चों का मैं सुनवाऊँ आपको? प्लीज।
अच्छा सर, ये बच्चे जो है, ये बेटा क्या सुनाओगे सबसे पहले आप? हुकम। हुकम सुनाओगे? चलो हुकम सुनाओ। बेटर से सलाम। हाँ। करो उसकी किताब, उसका विश्वा बाप, उसका तीसरा कम तू अपने कुरान खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है कुरान खुदा उससे बेगुनाह ना ठहरेगा। आमीन। तो बेटा आप भी तो कुछ सुनाओ ना सिमरन। बेटर साहब सबको सलाम और हैप्पी क्रिसमस भी तो करो। हैप्पी क्रिसमस। ओके। मत्ती की इंजील उसका 12 बाप और उसकी 18 आयत। देखो ये मेरा खादिम है जिसे मैंने चुना, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है। मैं अपना रूह इस पर डालूंगा और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर। अच्छा अरसलान आप क्या सुनाएंगे? मेरी तरफ साहब सबको सलाम, हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू। लुका की इंजील उसका 2 बाप और उसकी 14 आयत। आर्मी बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे राजी हो सुला। वाओ 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 जबरदस्त। हाँ तो मैं भी शाह पहले सुनाएगी। अरसला ये समर, समर बेटा चलो आप सुनाओ। मेरी तरफ से आप सबको सलाम और हैप्पी क्रिसमस। सेम टू यू। करूट की किताब उसका विश्वास, उसका 8 कम तू चुना करना। वाओ कितनी प्यारी बात की है, तुम चोरी ना करना। देखिए वही बात आ गई ना कि कोई मजहब भी आपको कम से कम ये वायलेशन पे और ये चोरी डाके इस पे कोई नहीं कहता। अल्लाह अकबर जी। हाँ महविश क्या सुनाओगे बेटा? बेटर साहब सबको सलाम एंड हैप्पी क्रिसमस। यसु वरिशा तो, यसु वरिशा तो फरिशा ते आया, मैं पंगड़े पावा, मैं जश्न मनावा, जग खुशियां जग खुशियां नाल सजावा, मैं पंगड़े पावा, मैं जश्न मनावा, आसमाना वाले अजवदा ये खुशियां दा पैगाम सुना, ये आया 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 वड्डा दिन, हो आया 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 वड्डा दिन, यसु अरिशा तो फरिशा ते आया, मैं पंगड़े पावा, मैं जश्न मनावा। वाओ जबरदस्त। चले अब टेबलू। वाओ बहुत अच्छा। वाओ बहुत अच्छा बेटे, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। चले बैठे बैठे बैठे, बहुत अच्छा भाई, कमाल कर दिया। और कितनी प्यारी बात इन्होंने की है, 6 दिन में खुदा ने बनाए ज़मीन और आसमान, और वाकया 6 दिन में ही बनाए भाई। ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा सॉन्ग आपने सेलेक्ट किया, ज़बरदस्त हो गया भाई, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर आप क्या सुनाएंगे अब हमें? आप फरमाएं मैं क्या सुनाऊं आपको? मुझे तो आप कोई फोक सुना दे। चलिए मैं आपको एक ऐसा सुनाता हूँ, एक सॉन्ग कि जो लिखा गया है एक लड़की है। उड़दा तू जामी कावा, बैंदड़ा जामी वे, बैंदड़ा जामी मेरे पेकड़े, उड़दा तू जामी कावा, बैंदड़ा जामी वे,
ਬੈਂਦੜਾ ਜਾਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕੜੇ, ਉੱਡਦਾ ਤੂੰ ਜਾਵੀ ਕਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ, ਰੋਗ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਡਦਾ ਤੂੰ ਜਾਵੀ ਕਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਆਊਗਾ ਫਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਡਦਾ ਤੂੰ ਜਾਵੀ ਕਾਵਾਂ, ਬੈਂਦੜਾ ਜਾਵੀ ਵੇ, ਬੈਂਦੜਾ ਜਾਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕੜੇ, ਉੱਡਦਾ ਤੂੰ ਜਾਵੀ ਕਾਵਾਂ। ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਭਾਈ ਕੀ ਈਦ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੋ 500,000 ਹੀ ਭੇਜੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਯੇ ਮੁਝੇ ਈਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਸਰ ਸੇ ਸੁਣੇਂਗੇ ਇੱਕ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾ, ਇਨਕਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਵੀ ਕੁਛ ਸੁਣੇਂਗੇ ਨਾ, ਤੋ ਯੇ ਮੈਡਮ ਸ਼ਮੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬਾ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਔਰ ਆਜ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੇ ਪੁਰਮਸਰਤ ਮੌਕੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਓਂ ਕੋ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹਮਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਹਿਣ ਭਾਈ ਹੈ ਉਨਕੀ ਖੁਸ਼ੀਓਂ ਮੇਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾ ਸੌਂਗ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰੇਂਗੇ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਹਮਾਰੀ ਸਾਂਸੋਂ ਮੇਂ ਆਜ ਤੱਕ ਵੋ ਹਿਨਾ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਔਰ ਕਿਆ ਸੁਣਾਏਂਗੇ ਆਪ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾ ਵੋ ਸੁਣਾਈਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖੀ? ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਗਜ਼ਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਡਾਡਾ ਪੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਵਫਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬੇਵਫਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਲਾਗੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਦਿਲ ਲਾਗੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਂਦਾ, ਯਾਰ ਦਾ ਜੇ ਰੁਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਦਾ ਜੇ ਰੁਮਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਦਿਲ ਲਾਗੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਦਾ ਜੇ ਰੁਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ, ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਜਨਰੈਸਟੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਬਤਾਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋ। ਚਲੇ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੁਣਾਈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਦਿਆ। ਚਲੇ ਹਾਂਜੀ। ਮਹੀ ਦਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਆਇਆ, ਮਾਹੀ ਜੇਲ ਗਿਆ ਨਾ ਆਇਆ, ਵਕੀਲਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਮੱਕਣਾ ਤੀਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਮੱਕਣਾ ਤੀਸੀ, ਮੈਂ ਲੋਏ ਵਾਂਗੂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਰਾਉਣਾ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰਾਉਣਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਖੁਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਚਮਕੇ, ਮੁੱਖ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਚਮਕੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਫਾਣੇ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਮੁੱਖ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਚਮਕੇ, ਮੁੱਖ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਚਮਕੇ,
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੌਵਾ ਜੋ ਬੋਲਤਾ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਹੀ ਵੋ ਬੋਲਤਾ ਬੋਲਤਾ? ਅਬ ਦੇਖੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੋ ਆ ਹੀ ਜਾਤੇ ਨਾ, ਕੌਵਾ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੋ, ਇਸਕਾ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਰਹੀ, ਬਸ ਇਹ ਰਵਾਇਆ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਜਣਾ ਆਉਣਾ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਕਵੇ ਪੇ ਬੜੀ ਗਾਵਾਂ ਗਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਬਚਪਨ ਮੇਂ ਹਮ ਤੋ ਜੈਸੇ ਕੌਵਾ ਮਾਰੇ, ਟੁੱਟਿਆ ਮਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੇ ਤਲਕ ਹੈ, ਤੋ ਦੀਵਾਰ ਪੇ ਕੌਵਾ ਬੋਲਤਾ ਥਾ, ਤੋ ਵਾਕਈ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਤਾ ਥਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਤੋ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੋ ਕੌਵਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਆਜ ਕਾ ਕੌਵਾ ਆਜ ਕੇ ਫੋਨ ਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਆਪਨੇ ਟੱਪਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਸ ਮੇਂ ਤੋ ਵੋ ਵਿਚਾਰੇ ਕਵੇ ਕੋ ਵੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਕੰਬੇ ਕਮੋੜ ਦੇ ਜਾਓ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅਭੀ ਅਭੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੇਂ ਹਮ ਇਹ ਕੇਕ ਵੀ ਕਾਟੇਂਗੇ, ਔਰ ਸਰ ਅਰਮਾਸ ਅਲੀ ਜੁਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਮ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਕ ਕਾਟੇਂਗੇ, ਆਪ ਇਨ ਸਭ ਬੱਚੋਂ ਮੇਂ ਗਿਫਟ ਤਕਸੀਮ ਕਰੇਂਗੇ, ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਦੇਂਗੇ ਵੋ ਵੀ ਦੇਂਗੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਆਪਨੇ ਹਮੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪੇ। ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਊਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਹਮ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਗਿਆ ਹੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਦੇਖਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਦੇਖਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਕਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਮ ਲੋਗ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਮੇਂ ਯੋਨਾਬਾਦ ਮੇਂ ਨਾ, ਵੋ ਸਾਥ ਦੁਲੂ ਕਲਾਮ ਮੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਸਭ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਮਾਰੇ ਮਸੀਹ ਹੋਂਗੇ, ਉਤਨੇ ਹਮਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਹੋਂਗੇ, ਸਭ ਕੇ ਹੈ, ਵੋ ਤੋ ਕੋਲੈਕਟਿਵਲੀ ਸਭ ਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੋ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਹਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕੋ ਕਭੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਿਸਟਮ ਮੇਂ ਮਿਸਾਇਲ ਹੈ, ਵੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਹੋਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਮਿਸਾਇਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਹਮੇਂ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕੋ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹਮਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਬ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇਂ, ਹਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੇਕ ਕਾਟੇ ਜਾਏਂਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਦੇਖੇ, ਹਮੇ ਕਭੀ ਕਭੀ ਹਮਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤੇ ਆਪ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਆਪ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਦੇਖੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਖੁਦਾ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਗ ਹਮੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਤੇ ਹੈਂ, ਇੱਕ ਅਦੂ ਕਾ ਵਾਕਿਆ ਤੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰੇ ਮਸੀਹੀ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਹੇਅਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮਾਨਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੋ ਕਭੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇ ਮਚਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਵੋ ਆਪਸ ਮੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਸੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਕਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹੂੰ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਦੇਖੇ ਹਰ 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 ਬੰਦੇ ਕਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਅਕਾਇਦ ਕਾ ਆਪ ਇਹਤਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਮਗਰ ਓਵਰਲੈਪ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਕੋ ਕਿਸੀ ਕੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਇਹਤਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਅਕੀਦੇ ਕਾ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਤੋ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਜ ਹਮਾਰੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਸ਼ ਥੀ ਕਿ ਹਮ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਕੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਬਲਕਿ ਆਲ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ, ਉਨ ਸਭ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਹੈਪੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤ, ਆਜ ਵੀ ਵੋ ਹੈ, ਫਲਮੀਨਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤ ਥੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਔਰ ਉਨਕੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਲੀ, ਸਮੀਨਾ, ਰੀਨਾ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਉਨਕੇ ਫਾਦਰ, ਉਨਕੇ ਬੱਚੇ, ਫਰੀਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬਈ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਨ, ਔਰ ਇਹ ਹੈਪੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟੂ ਯੂ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕਭੀ ਨਾ ਮੈਂ ਭੂਲੀ ਹੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਭੂਲ ਸਕਤੀ ਹੂੰ, ਅਕਸਰ ਬਲਕਿ ਵੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੇ ਦੇਖਤੀ ਹੂੰ, ਮੇਰਾ ਵੋ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਮੀਨਾ ਦੇਖਤੀ ਹੈ, ਫਲੋਮੀਨਾ ਵੈਸੇ ਇਤਨੀ ਐਕਟਿਵ ਥੀ ਕਭੀ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋ, ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਦੇਖਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਗਰ ਚਲੇ ਖੈਰ, ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਤੀ ਹੂੰ, ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋਂ ਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਵੋ ਮੇਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੋ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕੇ ਜੀ ਕਲਾਸ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੋ ਮੁਝੇ ਤੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਵੋ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰਿਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੋ ਸਾਰੀ ਬਾਤੇਂ ਰਿਕਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਜਨਾਬ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਹੈਪੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪ ਕੀ ਇਹ ਈਦ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਆਪਕੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਸਰ ਆਪਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਨ ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਜ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਆਏ ਹੈਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੇ ਸਭਾ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਸਿਜ਼ ਇਫਤਖਾਰ ਹੈ ਵੋ ਕਿ ਵੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਮੀਮ ਬਟ, ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਆਪਕੀ ਮੁਹੱਬਤੇਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਰ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਿਕ ਜਾਵੇਦ, ਤਾਰਿਕ ਆਪ ਸਰ ਆਪਣਾ ਤਖਲੁਸ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਤਾਰਿਕ ਜਾਵੇਦ, ਤਾਰਿਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੋਹਨਾਬਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਫੋਗ ਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ
تھینکس گاڈ کہ وہ یہاں پہنچ گئے. میں بڑی پریشان تھی کہ یہ سارا ہم نے تو جناب ہم نے محفل آپ کے لیے سجائی ہوئی ہے, تو آپ یہاں پہ آئیں اور تھینک یو ویری مچ. اور جناب اس کے ساتھ ہی ابھی ہم کیک کاٹیں گے, پھر آپ کو اللہ حافظ کہیں گے, ٹھیک ہے نا؟ ابھی اللہ حافظ نہیں ہم کہتے, ہم کیک کاٹیں گے پہلے. تھینک یو ویری مچ. یہ بڑا خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم سب جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے ان سب کے ساتھ کرسمس جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جسٹ ون کے لیے یہ ہمیشہ ایک پرائیورٹی رہی کہ ہماری جو کرسچن بھائی ہیں ان سب کے لیے جتنے پروگرام پچھلے ایک سال میں ہم نے یہاں پہ کیے, ایکسکلوسیو پروگرام کیے ہیں, شاید کسی اور ٹی وی چینل نے نہ کیے ہوں. اور ہماری لیگل فٹرنیٹی میں جتنے وکلاء ہیں جو کرسچن کمیونٹی کے ہیں, ان کو بھرپور طریقے سے ہم نے چاہا کہ وہ یہاں پہ آئیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ خوشی کا موقع ہماری پوری ایک فیملی جو کرسچن کمیونٹی ہے, اور خاص طور پہ میں مینشن کرنا چاہوں گا افتخار ہمارے کیمرہ مین ہے, ہی از پارٹ اینڈ پارسل آف آر فیملی, اس کی فیملی اور اس کے بچے, ان سب کو آج ہم نے بلایا, بلا کے ان کے ساتھ کرسمس کی خوشیوں میں آج ہم سب شامل ہیں. تو ہم تمام جو ہمارے جسٹ ون کی ٹیم ہے, لیگل فٹرنیٹی کے لوگ ہیں, سب کی طرف سے سب کرسچن کمیونٹی کو ونس اگین میری کرسمس. ناظرین, جیسا کہ سر الماس علی جمیدہ صاحب نے کہا, اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیشہ ہماری خواہش ہمیشہ ہوتی ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ رہیں. منورٹی ہمارا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے, حصہ ہے, افتخار کے ساتھ ایک محبت ہے, سب کی بڑی ہے. اور ویسے بھی کیمرے کے بغیر تو کوئی پروگرام ہو بھی نہیں سکتا نا. یہاں پہ خاص طور پہ ہمارے یہاں یہ بچے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور کرسمس کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا. ابھی سر بلکہ گفٹ بھی دیں گے سر الماس علی جمیدہ صاحب, سب اپنے جتنے ہمارے بڑے یا ایلڈر کھڑے ہوئے نا, اپنے اپنے ہاتھ سے ایک ایک بچے کو ضرور گفٹ دیں گے. اور ہمارے آج کے جو یہاں خاص طور پہ مہمان جو بڑی ہی مصروفیت چھوڑ کے آئے, جناب طارق جاوید, طارق ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, تو ان سے تھوڑا سا کہوں گی کہ کچھ اپنا ویو دیں اس پروگرام کے حوالے سے. جی سر طارق بھائی. جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ہمیں بلوایا, اور جسٹ ٹی وی جو ہے جب ہمیں بلواتا ہے ہم بڑی خوشی سے آتے ہیں, اس لیے کہ جس طرح یہ ٹیلی ویژن جو سیٹ ہے, ٹیلی ویژن جو چینل ہے, جس طریقے سے یہ ہمارے مسیحوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے, بڑی خوشی ہے. انشاءاللہ جب بھی ہمیں بلوائیں گے ہم تب دوبارہ پھر ہم آئیں گے. اور کرسمس کے حوالے سے جس طرح انہوں نے پروگرام پہلے بھی کیے, اب بھی کیا ہے, ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. اور اس حوالے سے جسٹ ٹی وی کے حوالے سے میں پورے پاکستان کے جو مسیح ہیں, غیر مسیح ہیں, جتنے لوگ بھی ہیں, سب کو میں ہیپی کرسمس کہتا ہوں. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, اب یہ جو گفٹ ہے نا, یہ اب گفٹ بچوں کو اب دینا شروع کریں سر. بچوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا, بلکہ جب پروگرام سر دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے. رات نرالی راتوں میں ہے, رات نرالی راتوں میں, جس رات مسیحا آئے ہیں, ہے رات نرالی راتوں میں, جس رات مسیحا آئے ہیں, سجدوں پہ ہوئے سجدے لاکھوں, سجدوں پہ ہوئے سجدے لاکھوں, تحفے بھی بار